नई सरकार बनने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में आज सुबह 11 बजे बजट पेश करने वाली हैं। ये वित्त मंत्री का लगातार सातवां बजट है। इस बार बजट में महिला, युवा और किसानों पर फोकस दिख सकता है। वहीं मिडिल क्लास को भी टैक्स में राहत मिल सकती है। वित्त मंत्री इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव या स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा बढ़ाकर मध्यम वर्ग के लिए टैक्स के बोझ को भी कम कर सकती हैं। स्वास्थ्य बीमा और पेंशन योजनाओं जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विस्तार करके मिडिल क्लास के लिए सामाजिक सुरक्षा जाल को मजबूत भी किया जा सकता है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसी आवश्यक सेवाओं की लागत को कम करने के लिए उपाय देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा सरकार किफायती आवास योजनाओं को बढ़ावा देकर मध्यम वर्ग के लिए घर खरीदना आसान बना सकती है। वित्त मंत्री का बजट भाषण सुबह 11 बजे से शुरू होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय पहुंच गई हैं और वो थोड़ी ही देर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात भी कर चुकी हैं और उन्होंने बजट की कॉपी भी उनको सौंपी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपना लगातार सातवां बजट पेश करके इतिहास रचने वाली हैं। इस तरह से वो पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़ देंगी। हालांकि सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड अब भी देसाई के पास ही है। देश का आज ये बजट पेश होने वाला है। बता दें कि वित्त मंत्रालय भी सीतारमण पहुंच चुकी हैं और साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को वो एक बजट की कॉपी भी सौंप चुकी हैं। साथ ही आपको बता दें कि बजट को लेकर तमाम अहम बिंदुओं पर चर्चा हो चुकी है और उसी को देखते हुए तमाम फैसले इस बजट को लेकर किए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि आगामी 5 साल में किस तरीके से मोदी सरकार काम करने वाली है उसके भी आर्थिक सर्वेक्षण किए गए हैं और उसी आधार पर ये बजट तैयार किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि इस बजट में महिलाओं पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष रूप से फोकस किया जाएगा और कहीं ना कहीं जिस तरीके से स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा बढ़ाकर मध्यम वर्ग के लिए भी टैक्स के बोझ को कम आज किया जा सकता है। ये पहला आम बजट आज मोदी 3.0 सरकार का पेश होने वाला है। 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में ये बजट पेश करेंगी और उनके भाषण की शुरुआत होगी। नई सरकार बनने के बाद आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में सुबह 11 बजे ये बजट पेश करने वाली हैं और ये वित्त मंत्री का लगातार सातवां बजट माना जा रहा है। इस बार बजट में महिला, युवा और किसानों पर विशेष फोकस दिख सकता है। साथ ही आपको बता दें कि कृषि क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में भी आज के बजट में विशेष फोकस किया जाएगा और कहीं ना कहीं ये बजट अब 2047 के विकसित भारत का जो मकसद है उस पर भी फोकस करेगा और उसकी एक नई आधारशिला रखता हुआ भी नजर आएगा। आज ये मोदी 3.0 सरकार का पहला आम बजट पेश होने जा रहा है जिसको लेकर तैयारी हो चुकी है। वित्त मंत्रालय भी सीतारमण पहुंची, संसद पहुंच चुकी है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को वो बजट की एक कॉपी भी दे चुकी हैं। साथ ही आपको बता दें कि अभी 11 बजे ये बजट का भाषण शुरू होगा और तमाम चीजों को आज के बजट में शामिल किया गया है। लगातार किसानों पर, कृषि विभाग पर, ग्रामीण विभाग पर विशेष फोकस आज इस बजट में किया गया है। वहीं मिडिल क्लास के लिए भी राहत भरी खबर आज सामने आ सकती है क्योंकि कई बड़े ऐलान आज इस तरह हो सकते हैं कि मिडिल क्लास को राहत मिले। टैक्स स्लैब में भी आज गिरावट देखने को मिल सकती है। साथ ही आपको बता दें कि इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव या स्टैंडर्ड डिडक्शन की जो सीमा बढ़ाकर मध्यम वर्ग के लिए टैक्स के बोझ को कम करने की कवायद भी आज बजट के दौरान देखी जाएगी। तमाम जानकारी के साथ इस वक्त छत्तीसगढ़ से स्टेटहेड अनिल पुसदकर जी हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल जी, जिस तरीके से आज ये बजट काफी अहम माना जा रहा है, क्या लगता है आज किन विशेष चीजों पर फोकस किया जाएगा? देखिए आकांक्षा, बजट जब भी पेश होता है तो देश का जो मध्यम वर्ग है उसकी बड़ी आस होती है कि उसको टैक्स पे रिबेट मिले। इसके अलावा जो बड़े उद्योगपति हैं वो भी चाहते हैं कि उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में नए जो वेंचर्स आते हैं पर उनको रिबेट मिले, छूट मिले। और व्यापारी वर्ग तो जीएसटी में कुछ जो है बहुत समय से जो है जीएसटी की विसंगतियों पर जो है वो सवाल उठा रहा है, वो भी चाहता है राहत। एक ऐसा वर्ग भी है देश में जिसको ना टैक्स से मतलब है ना बजट से मतलब है, वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी कमाता है और अपना रोजमर्रा की रोटी कमाकर वो अपना वैसे ही काट लेता है। लेकिन एक बड़ा जो वर्ग है, मध्यम वर्ग, वो जरूर टैक्स पे रिबेट की राह देख रहा है, लगातार वो देख रहा है। हालांकि कुछ राहत जरूर मिली है लेकिन वैसी राहत नहीं मिली है कि जिसमें मध्यम वर्ग को बहुत राहत मिली हो माना जा सकता है। इसके अलावा अभी जो है 5 राज्यों में जो है उपचुनाव भी होने हैं तो वो उसको भी वो नजर में रखे हुए हैं केंद्र सरकार। और साथ ही जब प्रधानमंत्री मोदी ने जो स्पष्ट संकेत दिया है कि मजबूत बजट होगा तो उससे ऐसा लगता नहीं कि कहीं कोई बहुत ज्यादा रियायत जो है मिलने वाली है। लेकिन रियायत तो मिलेगी क्योंकि चुनाव भी सामने में है, लेकिन बहुत ज्यादा रियायत की उम्मीद करना बेमानी लगता है।
सीतारमन निर्मला सीतारमन का ये सातवां बजट है, रिकॉर्ड है उनका, ये लगातार सातवां बजट पेश कर रही है। इससे पहले मोरारजी देसाई जो है वो 10 बजट पेश कर चुके हैं। लेकिन भाजपा जिस हिसाब से जो बात कर रही है, भाजपा के प्रवक्ता और ये सारे लोग जो बात कर रहे हैं कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर जा रहे हैं, हमको मजबूत देश बनाना है, हमको इंफ्रास्ट्रक्चर ये करना है, तो उससे ऐसा लगता नहीं है। लेकिन आम जनता जो है वो जरूर बजट से आस लगाकर रखी हुई है कि उनको राहत मिले। वहीं अनिल जो अगर बात करें, जिस तरीके से आपने कहा कि जो मध्यम वर्ग है उनको काफी उम्मीद होती है, लेकिन अगर बात करें ग्रामीण क्षेत्र की या कृषि विभाग की, तो इस बार देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो कृषि क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, वो भी काफी उम्मीदें इस बजट से लगाकर बैठे हैं, तो उनके लिए क्या अहम चीजों पर आज फैसला लिया जा सकता है? देखिए, इनकम टैक्स पर राहत की बात तो बहुत समय से लग रहा है, इनकम टैक्स की छूट जो 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी जाएगी। अगर ऐसा अगर करती है केंद्र सरकार, तो ये आम जो मध्यम वर्ग है उसके लिए बहुत बड़ी राहत होगी। और ये इसको आप मान सकते हैं, मध्यम वर्ग जो है वो भाजपा है, एक ऐसा वर्ग है देश में जो पिस रहा है लगातार टैक्सेशन से। तो टैक्सेशन में जो इनकम टैक्स, खास करके इनकम टैक्स, बाकी दूसरे टैक्सों में भी राहत की जो है वो राहत की टकटकी लगाकर देख रहा है। व्यापारी वर्ग भी जो है वो जीएसटी में सुधार की गुंजाइश देखता है। जीएसटी की भी संगतियां बहुत है, कहीं 28% है, कहीं 12% है, कहीं 5% है। दूसरा पेट्रोल और डीजल जो उस दायरे से बाहर है, तो उसको भी वो सोचते हैं कि अगर वो जीएसटी। ठीक है अनिल पुसदकर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो साथ ही आपको बता दें कि मोदी 3.0 का आज ये बजट पेश होने वाला है। तमाम तरीके से मध्यम वर्ग को राहत देने की कोशिश आज इस बजट के माध्यम से की जा सकती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बजट की कॉपी भी मिल चुकी है और 11 बजे ये बजट आज संसद में पेश होगा। मोदी 3.0 सरकार का आज ये बजट पेश होने वाला है। साथ ही आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन आज अपना ये सातवां बजट पेश करने वाली हैं। इससे पहले भी ये कई रिकॉर्ड बनाते हुए नजर आ रही हैं। मोरारजी देसाई की अगर बात करें तो वो 10 साल बजट पेश कर चुके हैं और 10 बार का वो जो रिकॉर्ड है उनका कहीं ना कहीं निर्मला सीतारमन भी पूरा करती हुई नजर आ रही है। और मोदी 3.0 का ये पहला आम बजट आज वो संसद में 11 बजे पेश करेंगी। साथ ही आपको बता दें कि इस बजट में महिलाओं को लेकर, ग्रामीण क्षेत्र को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आज विशेष फोकस भी रह सकता है। तो वहीं इस पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश गुप्ता जी, आज ये देश का बजट पेश होने वाला है, क्या लगता है मध्यम वर्ग की अगर बात करें तो किस तरीके की उम्मीदें आज इस बजट से रखी जा रही हैं? बिल्कुल देखिए आकांक्षा, यहाँ पे अभी देखा जाए तो आज सरकार का पहला बजट आज जो है पेश होने जा रहा है। इसको लेकर खास करके अगर बात उत्तराखंड की करें तो काफी लोगों को जो है उम्मीद लगी हुई है इस पर जो है, खास करके मध्यम परिवार वालों के लिए और खास करके व्यापारियों की अगर बात करें। इसमें जिस तरीके से जीएसटी की बात की जा रही थी, उससे छूट की बात, ये तमाम चीजों को लेकर। और वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा है कि जो नरेंद्र मोदी है उनका लगाव उत्तराखंड से लगातार रहा है और इसको लेकर उनका जो सपना है कहीं ना कहीं वो देवभूमि के लिए जरूर इस बजट में प्रावधान रखेंगे। और वही दूसरी ओर जिस तरीके से विकसित भारत का जो सपना है 2047 तक के लिए, उसमें कहीं ना कहीं इसमें जो उत्तराखंड को जरूर जो है स्थान मिलेगा। और ये जो देखा जाए तो आम जनमानस को भी जो है आज इस बजट से काफी उम्मीदें लगी हुई है, खास करके व्यापारियों की जो जिस तरीके से बात चल रही है, तो ये तमाम लोगों का है कि जिस तरीके से महंगाई आगे बढ़ रही है उसको भी कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की यहाँ पे जो है लोग उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। जी वही अवनीश, अगर बात करें तो शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा को लेकर भी आज विशेष फोकस हो सकता है। वही अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड एक पर्यटन स्थल के तौर पर देखा जा सकता है, तो क्या लगता है उत्तराखंड के लिए आज क्या बड़ी सौगातें हो सकती हैं? बिल्कुल देखिए, यहाँ पे नरेंद्र मोदी लगातार उत्तराखंड में रहे हैं, केदारनाथ में जो है उन्होंने यहाँ पे ध्यान भी लगाया था और ऊपर जिस तरीके से उन्होंने जो है यहाँ पे मूर्ति की स्थापना की है उससे खास लगाव यहाँ पे उत्तराखंड का लगातार रहा है। और इस बार अगर कहा जा सकता है तो उत्तराखंड की 500 सीटें जो है सौगात के रूप में जो है उत्तराखंड के निवासियों ने मोदी जी को दी है, तो तमाम चीजों को लेकर उम्मीदें यहाँ पे जरूर है। और खास करके जिस तरीके से पर्यटन की बात करें, यहाँ पे ऑल वेदर रिपोर्ट की बात करें और जिस तरीके से पर्यटन यहाँ पे इस बार जो है बम्पर रिपोर्ट जो है यहाँ पे भक्तों ने जो है यहाँ पे दर्शन के लिए आ रहे हैं, अभी जो चारधाम यात्रा चल रही है उसको लेके कहीं ना कहीं इस बजट में जरूर यहाँ पे जो है उम्मीदें लगाई जा रही है कि जो केंद्र सरकार है वो जो बजट होगा इस बार उत्तराखंड को कोई बड़ी सौगात जरूर यहाँ पे मिल सकती है। ठीक है अवनीश गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।
साथ ही आपको बता दें, जिस तरीके से अवनीश गुप्ता जी ने बताया, उत्तराखंड की अगर बात करें तो पर्यटन स्थल के लिए विशेष तौर पर यह माना जाता है, और कहीं ना कहीं आज कई राज्यों के लिए इस बजट में एक नया खजाना देखने को मिल सकता है, क्योंकि मोदी 3.0 सरकार का आज ये पहला बजट पेश होगा, जिसको लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने ये कॉपी भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। और कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण क्षेत्र, कृषि विभाग, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आज तमाम पहलुओं पर चर्चा भी हो सकती है, और अपने भाषण में वो नए बड़े ऐलान भी कर सकती हैं। कहीं ना कहीं इस बजट से मध्यम वर्ग को काफी बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो आबादी है वो मध्यम वर्ग की देखी जाती है, और कहीं ना कहीं इनकम टैक्स स्लैब की अगर बात करें तो उसको लेकर भी आज लोगों को राहत देने का फैसला लिया जा सकता है। शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, तो जिस तरीके से आवश्यक सेवाओं की लागत को कम करने के लिए उपाय देखने के भी मौके आज मिल सकते हैं। इसके अलावा सरकार किफायती आवास योजनाओं को बढ़ावा देकर मध्यम वर्ग के लिए घर खरीदना आसान भी बना सकती है। वित्त मंत्री का बजट भाषण अब सुबह 11 बजे से शुरू होगा। साथ ही आपको बता दें कि इस भाषण में पूरी तरीके से इस बजट का विस्तार किया जाएगा। मोदी 3.0 का आज ये पहला बजट है, और कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि 2047 तक के लिए जो विकसित भारत है उसकी आधारशिला भी आज इस बजट के माध्यम से रखी जाएगी। तो वहीं बजट को लेकर तमाम जानकारी के साथ मध्य प्रदेश से संवाददाता गोपाल देवकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोपाल, क्या लगता है बजट आज पेश होने वाला है, मध्य प्रदेश पर अगर विशेष फोकस किया जाए तो क्या बड़ी सौगात आज मिल सकती है? यदि हम बजट की बात करें तो जिस तरह से व्यापारियों की मांग है कि जो है महंगाई और टैक्स के अंदर जो है छूट मिलनी चाहिए, और वही हम यदि गृहणियों की बात करें तो गृहणियों का मानना है कि जो महंगाई बढ़ गई है, जिसके चलते आज रसोई गैस जो महंगा हुआ है उसको फिर एक बार जो है वापस सस्ता होना चाहिए। वही यदि हम और बात करें तो गरीबों की बात करें तो जिस तरह से गरीबों का कहना है, तो गरीब यही कह रहा है कि जो हमारी थाली से आज आलू और प्याज जैसी चीजें छिन गई है तो वापस हमारी थाली में रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से गरीब की थाली से प्याज और आलू आज जिस तरह से जो महंगा हुआ है, जो लहसुन महंगा हुआ है, जो गरीब का निवाला है वो आज छीनता चला जा रहा है, उसे लेकर के गरीबों का खास तौर पर ये कहना, मजदूर का कहना है कि यहाँ महंगाई को जो है कम होना चाहिए और मोदी सरकार जो है इस महंगाई को जरूर कम करेगी। जी अब गोपाल भाई, बात करें तो लोकसभा चुनाव का अगर जिक्र कर ले तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में इस बार मोदी सरकार को बड़ी जीत देखने को मिली है, तो क्या लगता है कि मध्य प्रदेश की जो जनता है किस तरीके की उम्मीदें इस बार लगाकर बैठी है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी को यहां एक बड़ी जीत मिलती हुई नजर आई लोकसभा चुनाव में, माना जा सकता है कि लोगों की उम्मीदें भी बढ़ गई होंगी। निश्चित तौर पर आकाश, जिस तरह से मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव हुए और लोकसभा चुनाव में मोदी जी की जो झोली में जो 29 की 29 सीटें यहाँ से दी है उसका परिणाम है कि अब जो है सभी मध्य प्रदेश की जनता मोदी सरकार से ये अपेक्षा कर रही है कि बजट जो है उनके फेवर में होना चाहिए, मध्य प्रदेश के हक में होना चाहिए और मध्य प्रदेश के लिए कई सौगातें जो है लेकर आना चाहिए। यदि हम बात करें तो कई ऐसे विभाग जहाँ यदि हम बात करें सड़कों की, तो मध्य प्रदेश की जो सड़कें हैं वे बिल्कुल जर्जर हो चुकी है, उन सड़कों को एक बार फिर यहाँ पर जो है उनके लिए बजट, अलग से बजट देना चाहिए। मध्य प्रदेश में जिस तरह से मध्य प्रदेश की जनता ने भाजपा सरकार को एक तोहफे के रूप में 29 सांसद दिए हैं और उसी का परिणाम चाहती है कि अब कहीं ना कहीं उनको इस बजट में राहत मिले। जी आकांक्षा, ठीक है गोपाल देवकर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से गोपाल देवकर जी ने भी बताया कि मध्य प्रदेश की जनता को भी इस बार के बजट से काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में एनडीए को बड़ी जीत मिली तो ये माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो लोगों की उम्मीदें हैं वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। साथ ही बता दें 11 बजे आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन आज संसद में ये बजट पेश करने वाली है। मोदी 3.0 सरकार का आज ये पहला आम
बजट पेश होगा, जिसमें तमाम पहलुओं पर चर्चा पहले ही हो चुकी है। आर्थिक सर्वेक्षण भी किया गया है, जिसके आधार पर यह बजट तैयार किया गया है। इसकी एक कॉपी भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मिल चुकी है और कुछ ही समय बाद ये बजट पेश होगा। और आज तमाम राज्यों के लिए, तमाम लोगों के लिए, अलग अलग विभागों के लिए बड़ा खजाना भी आज देखने को मिल सकता है, क्योंकि 2047 का जो विकसित भारत का लक्ष्य है उसको लेकर भी इस बजट में आधारशिला रखी जा सकती है। साथ ही आपको बता दें कि अलग अलग राज्य की बात कर ले तो उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सभी को आज इस बजट से एक अलग उम्मीदें देखने को मिल रही है, क्योंकि मोदी 3.0 सरकार का आज ये पहला बजट है। और कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि आगामी 5 साल में जिस तरीके से मोदी जो कैबिनेट है, जो काम करेगी, जिन मुद्दों को लेकर चर्चा करेगी, उसको भी आज के बजट में शामिल किया जा सकता है। कहीं ना कहीं देखा गया है कि मध्यम वर्ग को बजट से ज्यादा उम्मीदें होती हैं, तो उन पे फोकस रख के भी आज बजट में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं।